आप ना समझ बन जाते हो, आप जिद कर लेते हो, अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हो, अपने आप को माइंड सेट कर लेते हो कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। यहां से लोग जो फेलियर होते हैं उनका कारण ये है। तो एक कहानी से आपको समझाता हूं। एक ही पत्थर के, एक बड़ा सा पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा ऐसा होता है जो लोगों के, जब लोग जाते हैं तो उसमें लात मार के जाते हैं, रोड पे पड़ा होता है। और एक टुकड़ा ऐसा होता है जिसमें मूर्ति गढ़ी होती है, श्री कृष्ण की, गणेश जी की, महादेव की, और उसकी लाखों लोग पूजा करते हैं। जो रोड पे टुकड़ा पड़ा होता है वो उस महादेव की मूर्ति से पूछता है, सुन यार कमाल हो गया, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, मतलब पत्थर तो हम सेम ही थे, अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, पत्थर तो हम सेम ही थे, मैं लोगों की ठोकरों में पड़ा हूं और तेरी आज पूजा हो रही है, तुझ पे दूध चढ़ रहा है, जल चढ़ रहा है, पैसे चढ़ रहे हैं, हार चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपना सिर झुका रहे हैं, क्या फर्क है हम दोनों में? जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्या फर्क है हम सब में? हम सब दो हाथ, दो आंख, दो कान, नाक, मुंह, सब बराबर है। बोला, पत्थर का टुकड़ा तो मैं भी वही हूं, ये फर्क कैसे हो गया कि तुझे लोग पूछते हैं और मुझे ठोकर मारते हैं? तो वो पत्थर बोलता है, महादेव जो बना था, श्री कृष्ण जो बना था, वो मूर्ति बोलते, सुन सुन, जब इस पत्थर को किसी कारीगर ने तराशने के लिए लिया, एक हथौड़ा मारा, तू टूट के अलग गिर गया, दूर भाग गया, और मैं उसके साथ, उस पत्थर, उस कारीगर के साथ बना रहा। उसने एक चोट मारी, दो चोट मारी, दस चोट मारी, तू सह नहीं पाया, और मुझ पे लाखों चोट मारी, मैं सहता गया। और इसी तरह अपलायन होता है, लाखों चोट मारेगा, तुम सहते जाना, मूर्ति बन जाओगे, क्राउन डायमंड बन जाओगे, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। और ये अप्लाई ही नहीं, आपके पिता भी ऐसे होते हैं जो आपको चोट मारते हैं, जो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, जो बच्चे कष्ट उठा लेते हैं, रात रात भर पढ़ लेते हैं, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, है ना? और जो बच्चे नहीं मानते, तो पिता के रूप में मानो, चाहे गुरु, टीचर के गुरु के रूप में मानो, इस बिजनेस में आ गए तो अपलाइन के रूप में मानो। आपको तराशने वाला मूर्तिकार आपके पिता थे, आपके टीचर थे, वहां नहीं मूर्ति बन पाए, अब इस धंधे में आ गए, यहां आपका अपलाइन है, चोट मारता रहेगा, तकलीफें होती रहेंगी, सहते रहना, कामयाबी आ जाएंगी।